यस बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट, दैट इज हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया। अब हमने क्या स्टार्ट करना है कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस जो है वो कैसे कंडक्ट होते हैं। तो मैंने आपको जब आपको इंट्रोडक्शन दी थी, मैंने कहा था कि टीचर चाहे आगे पीछे लिख दो, लेकिन जब हमने ये लिखना ना हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, तब हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है, आपने इसको ऑर्डर में लिखना है। आपने ये थोड़ी पहले लिख लो कि वोटिंग है उसके बाद डेट ऑफ अनाउंसमेंट होती है। ठीक है, जैसे आपको डेट शीट मिलती है उसके बाद ही आप एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन करते हो, फिर आपके रिवीजन टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है आपका पेपर होता है, फिर आपका रिजल्ट डे होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम ये लिखेंगे कि हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, तो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू स्टेप्स। आप अगर आगे पीछे स्टेप्स लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, इसमें हमने बताना है टोटल इलेक्टोरल प्रोसीजर कि हमारी कंट्री का प्रोसीजर क्या है, इलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो अब आपको ये सारा जो है ये आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा, हेडिंग वाइज लिखना होगा, और ये आपने स्टेप बाय स्टेप आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर वन, सबसे पहले आप बताओगे अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल डेट्स। अनाउंसमेंट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल डेट्स क्या मतलब है बच्चे इसका, इलेक्टोरल डेट्स की अनाउंसमेंट। सबसे पहले हमारी कंट्री में चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो चाहे विधानसभा, और विधानसभा के ना फरवरी में पंजाब के इलेक्शंस आने हैं, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या करता है, डेट ऑफ अनाउंसमेंट। इसको आप अपना अपने एग्जाम पैटर्न से लो, जैसे आपकी डेट शीट आ जाती है आपको पता लग जाता है कि कौन सा पेपर पहले है, कौन सा मैथ का पहले है, साइंस का पहले, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो। ऐसे ही सबसे पहले कोई भी किसी भी कंट्री में इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, डेट ऑफ अनाउंसमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको फॉर एग्जाम्पल कैसे करोगे कि फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वाइल लोकसभा इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शंस किसी भी कंट्री में, चाहे अगर पंजाब के हैं तो अब मुझे क्या ये बताओ कि पंजाब के इलेक्शंस की डेट आ चुकी है, नो, इसका मतलब अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जब अनाउंसमेंट ही नहीं होगी क्या कैंपेनिंग शुरू हुई है, कैंपेनिंग भी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारी कंट्री में इलेक्शंस का, फर्स्ट स्टेप क्या है ब्रिजेश, सिट प्रॉपरली। हमारी कंट्री में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपने क्या बताना है, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरियाज, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरियाज। बहुत सिंपल मतलब है इसका, डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरियाज का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना। अगर तो हमारी कंट्री में लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो हमारी कंट्री को टोटल 543 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस हैं तो पंजाब को फॉर एग्जांपल 113 पूरे पंजाब को ही डिवाइड करेंगे, कितने एरियाज में 113, इसका मतलब पूरे पंजाब में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाएंगी 113। नहीं, वार्ड नहीं कहते, वार्ड अलग, वार्ड सिटी में होता है 113 MLAs। ठीक है, अगर पूरी लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो पूरी कंट्री को 543 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें कितने एमपीज मिल जाएंगे, 543, हर एरिया से एक एमपी मिलेगा। लेकिन अगर पंजाब के इलेक्शंस हैं तो पंजाब को कितने पार्ट्स में सपोज डिवाइड करेंगे, 113, तो पूरे पंजाब में से हमें क्या मिलेंगे, 113 MLAs। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्शन कमीशन का सेकेंड जो मेन स्टेप क्या होता है, टू डिवाइड द इलेक्टोरल एरियाज। मुझे पता होगा कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हूँ, अभी तो मुझे पता होगा कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, ये सारा इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड, वोटिंग किसने कर रही है, वोटर्स। तो थर्ड जो है रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के लिए क्या बनवाया जाता है, वोटर्स लिस्ट। हाँ, वोटर लिस्ट में क्या होता है, इलेक्शन से पहले आप देखना, फरवरी से पहले आपके घर में जैसे ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, स्टाफ आपके घर में आकर प्रॉपर रिकॉर्ड आपसे लेते हैं, टोटल हाउ मेनी मेंबर्स, ठीक है, कितने 18 ईयर से अबव हैं, किनका वोटर कार्ड बना हुआ है। अगर जिनका नहीं बना हुआ
तो उनको बाद में कुछ सेंटर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और वहां पर जाकर उनके वोटर कार्ड्स बनाए जाते हैं। वोटर कार्ड्स को पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वोटर कार्ड्स को? EPIC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिक? एपिक का मतलब लॉन्ग स्टोरी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिक? एपिक हियर मींस इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आपके घर में आपके पेरेंट्स का वोटर कार्ड है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक। ये हर एक के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप वोटिंग के लिए जाओगे आपके पास क्या होना चाहिए? वोटर कार्ड। थर्ड स्टेप क्या होगा इलेक्शन कमीशन का? टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट एंड वोटर कार्ड। क्या इसमें आप क्या लिख सकते हो? दैट बिफोर इलेक्शन इट इज द फंक्शन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट इन द एरियाज एंड टू गेट इट अपडेट। अपडेट कैसे मतलब? हाँ, अपडेट का मतलब, हाँ, इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट एंड टू गेट इट अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे किसी की सपोज डेथ हो जाती है, है ना, तो वो पर्सन पहले पिछले 5 साल में उसके पास वोटर कार्ड था, लेकिन अब उसका नाम काटेंगे, डिलीट हो जाएगा वोटर लिस्ट में, ताकि हमारी कंट्री के नंबर ऑफ वोटर्स का एग्जैक्ट आइडिया हमें हो। सेकेंड थिंग, पिछले इलेक्शंस में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी एज 18 नहीं थी, लेकिन अब वो 18 से हो गए, अबव हो गए, तो उनका नाम ऐड करना और उनको क्या इशू करवाना? एपिक मींस वोटर कार्ड, आईडी कार्ड। जैसे आपने आईडी कार्ड पहना है, ऐसे क्या होता है? वोटर कार्ड। ठीक है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अदर नेम ऑफ EPIC इज वोटर कार्ड। आप अपने पेरेंट्स का वोटर कार्ड चेक करो, उस पर इलेक्शन कमीशन की क्या होती है? प्रॉपर स्टैम्प, और ऊपर लिखा होता है इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैम्प होती है प्रॉपर। वोटर कार्ड हो, विदाउट वोटर कार्ड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, वोटर तो तैयार हो गए, लेकिन वोटर ने वोट किसको करनी है? किसको? रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर मेथड होता है जिसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन पेपर। ये जो एक अलग मेथड होता है, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? फाइलिंग ऑफ, ये हमारा अलग पॉइंट बनेगा, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, नॉमिनेशन पेपर। क्या होता है बेटा नॉमिनेशन पेपर? हाँ, एक आप ये सोचो कि एक सिंपल फॉर्म होता है, एक काइंड ऑफ एफिडेविट होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को टिकट देना होता है, टिकट का मतलब होता है अपनी पार्टी की तरफ से उसको लीडिंग देनी होती है कि कौन उस एरिया से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे, उनको इलेक्शन कमीशन में ऑफिस में जाकर एक पर्टिकुलर डेट तक ये पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है। इस फॉर्म में बहुत सी डिटेल होती हैं, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी डिटेल्स, जो भी, और उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना, ऐसे पेपर को क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन पेपर। ये कैंडिडेट खुद करेगा, जो पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है वो खुद करेगा, और उसके साथ पार्टी के मेंबर भी जाएंगे जो उसका प्रॉपर जो है एविडेंस देंगे। हाँ, वो भी एक फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, साथ ही कई बार क्या होता है, नॉमिनेशन पेपर फिल करके आप घर वापस आ गए, 5-6 डेज के बाद आपको ये लगता है कि आपको तो आपके रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि आप इलेक्शंस के लिए अपने आप को एलिजिबल नहीं मानते हो, कि आपकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है, आपके सामने जो कंटेस्टेंट, इसको बाद में करना बैठे, आपके सामने जो बाकी कंटेस्टेंट है, मे बी आप हार भी सकते हो, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन आपको एक और डेट देते हैं। इस डेट को क्या बोलते, ब्रिजेश बेटा, चेंज योर सीट, बी रिस्पॉन्सिबल एंड डोंट डिस्टर्ब अदर्स। बोलने नहीं ना आप, चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है, हाँ जी, विड्रॉल, यानी कि नॉमिनेशन पेपर फिल कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पर्सन चाहता है कि मैं अपना नाम विड्रॉ करना, वापस लेना, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन उनको एक पर्टिकुलर डेट दे देते हैं कि इस डेट तक पार्टी या
जो कैंडिडेट है दे कैन विड्रॉ देयर नेम, विड्रॉल, ये इसी में ही लिखोगे आप नॉमिनेशन पेपर वाले पॉइंट में ही आगे लिखोगे दैट विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, कैंडिडेट कैन विड्रॉ हिज और हर नेम, ठीक है, एंड प्रॉपर डेट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक प्रॉपर डेट जो है वो दे देते हैं और उस डेट तक कोई भी पर्सन अपना नेम जो है वो वापस ले सकता है। इसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ नेम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है नॉमिनेशन से लेकर विड्रॉ तक। अब अगर पर्सन विड्रॉ कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी को फिर उसका क्या ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेट, यानी कि किस पर्सन को वो उस पार्टी, उस एरिया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का टिकट देंगे। और ऐसे में फिर से क्या करवाया जाता है, किसी और पर्सन से नॉमिनेशन पेपर साइन करवाया जाता है। और इन द एंड जब ये सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, ठीक है, पार्टी की ड्यूटी खत्म हो गई, कैंडिडेट की ड्यूटी खत्म हो गई, अब ड्यूटी किसकी स्टार्ट हो गई, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्क्रूटनी। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रूटनी। इसका इजी वर्ड भी आप लिख सकते हो जतिन से प्रॉपरली, इसका इजी वर्ड क्या है, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, अब इस नॉमिनेशन पेपर में पॉलिटिकल पार्टी और उस कैंडिडेट ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को लिख दिया है, बैंक अकाउंट्स लिख दिए हैं, अपनी प्रॉपर्टी डिटेल लिखी है, तो इस डिटेल को प्रॉपर वेरीफाई करता है इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी करना का मतलब क्या होता है, उनको प्रॉपरली केयरफुल एग्जामिनेशन कि वट एवर द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन इट इज राइट और रॉन्ग। और उसके बाद फाइनली जब सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे न्यूज 9 यानी कि आपको टेलीविजन में या न्यूज पेपर में एक तरफ पार्टी का नेम और एक तरफ कैंडिडेट्स के नेम पता लग जाते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी या केयरफुल एग्जामिनेशन। यहाँ तक हाँ जी जतिन, सारे पॉइंट्स रिपीट करोगे आप, बहुत डिस्टर्ब करता है ये बच्चा पूरी क्लास को। हाँ जी, नंबर 1 अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल डेट्स, नंबर 2 डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल एरिया, थर्ड टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट एंड वोटर कार्ड एंड टू अपडेट, आल्सो अपडेट भी करना साइड बाय साइड, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, कौन नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा, ओके कैंडिडेट्स, उसके बाद विड्रॉल, ठीक है, देन स्क्रूटनी, व्हाट इज अ वन वर्ड, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑन द नॉमिनेशन पेपर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट एंड उसकी एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है जिसने उसकी एविडेंसेस, जिसे हम कहते हैं ना उसकी गवाही दी है पॉलिटिकल पार्टी, उनको प्रॉपर वेरीफाई करना, ठीक है। ये तो था सारा स्क्रूटनी तक, अब सब कुछ रेडी हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इलेक्टोरल कैंपेन। कैंपेन में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो अपनी कन्विंसिंग स्टार्ट करते हैं, डोर टू डोर भी हो सकती है और रैलीज। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा, कैंपेन, इलेक्टोरल कैंपेन। और ये कैंपेन जो है, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पर्टिकुलर डेट देते हैं, उस डेट से स्टार्ट होता है, पहले नहीं स्टार्ट होता। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्टोरल कैंपेन। अब इलेक्टोरल कैंपेन में क्या क्या आता बेटा, रैलीज। नंबर 1 इलेक्टोरल कैंपेन मींस इन विच पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ठीक है, दे स्टार्ट देयर कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब लोगों को कन्विंस करते हैं अपनी पार्टी के लिए, ठीक है। और इस इलेक्टोरल कैंपेन में क्या क्या आता है बेटा, इसी का ही पार्ट है, क्या क्या आता है, रैलीज, पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, पैम्फलेट्स, हाँ जी इसी को ही मैनिफेस्टो भी आप लिख सकते हो, मैनिफेस्टो यहीं पे, ठीक है। और इसके अलावा क्या बनाया जाता है, हाँ वो भी बना सकते हो, बैनर्स होते हैं या फिर फ्लेक्स जो है वो बनाए जाते हैं। और टेलीविजन और न्यूज़पेपर में डिबेट्स,
पार्टीज के डिबेट्स करवाए जाते हैं, लीडर्स के डिबेट्स करवाए जाते हैं, डिस्कशन करवाई जाती है, और हर तरफ जो है वो आपको इलेक्टोरल एनवायरनमेंट जो है वो नजर आता है। इवन कई बार आप देखते हो कि रिक्शा में या कई बार ऑटो में कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं, स्लोगन्स है ना, स्लोगन्स एडवर्टाइजमेंट्स काइंड ऑफ, अच्छे दिन आएंगे, इस तरह से स्लोगन्स जो है वो बार बार आपके सामने, सपोज आपके एग्जाम चल रहे हैं और बाहर कैंपेनिंग हो रही है, तो दे विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग ऑल द डे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो कन्विंसिंग करते रहते हैं और अपनी पार्टी के, ताकि लोगों को लीडर का नाम पता लग जाए, पार्टी का नाम पता लगे, सिंबल का पता लगे। तो ये मेन, दिस इज द पर्पस ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन। आपको पता, अच्छा कई बार तो क्या होता है रैलीज, कई बार तो रैलीज में सिंगर्स या हॉलीवुड स्टार्स या बॉलीवुड स्टार्स उनको तक बुलाया जाता है ताकि अपनी पार्टी की क्या करवाई जाए, प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इस पार्टी को नंबर ऑफ पीपल यानी कि जो लोग हैं वो इनको देखने के लिए आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये होता कुछ नहीं है, ये जस्ट क्यों होता है कि ताकि लोगों में ये अटेंशन जो है वो क्रिएट की जाए कि लोग किस पार्टी की तरफ जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। यस, इसके बाद इन द मीन टाइम कंट्री में क्या लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट लिखोगे नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें आप ये बताओगे ड्यूरिंग इलेक्शंस सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स मेंबर्स, ठीक है बेटा।